नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल धुराधार अपडेट्स में। तो दोस्तों, जैसे कि आप थंबनेल में देख ही चुके हैं कि हिमाचल प्रदेश में कर्फ्यू चला हुआ है, तो जो ये लॉकडाउन है ये कब तक रहेगा और अब कैसे मिलेगा डिपो में राशन, तो पूरी जानकारी बताएंगे। और 2 दिन जो है खुली रहेंगी दुकानें, तो कौन से दिन जो है खुली रहेंगी 2 दिन ये, तो इसके बारे में बताएंगे। और 5 बड़ी खबरें जो है हम आज आपके लिए लेके आए हैं, तो इम्पोर्टेंट न्यूज है ये। तो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आपको जो है लेटेस्ट ब्रेकिंग न्यूज जो है सबसे पहले हमारे चैनल द्वारा जो है मिलती रहे। अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक भी जरूर करें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं टाइम ना वेस्ट करते हुए। तो आज की सबसे पहली जो न्यूज है तो ये है, 2 सप्ताह और संयम, और 30 अप्रैल तक घर पर ही रहिए, कुछ रियायतें मिलेंगी। तो पीएम बोले अब जान और जहान दोनों जरूरी है। तो पीएम मोदी जी ने बोला हुआ है कि मैं 24 घंटे उपलब्ध हूं। और संक्रमितों की संख्या जो आप देखते हो कि 7,529 हो गई है, और 24 घंटे में 1,035 संक्रमित व 40 मौतें जो है हुई हैं। तो आप देखते हो कि ये बड़ी जल्दी जो है संक्रमित हो रहे हैं और 40 मौतें हो चुकी हैं। तो आप भी घर में ही रहिए। तो नेक्स्ट न्यूज के बारे में बताते हैं, तो हिमाचल भी लॉकडाउन बढ़ाने के लिए तैयार। तो अब जो है 30 अप्रैल तक जो है लॉकडाउन बढ़ाने के लिए जो है हिमाचल भी तैयार हो गया है। तो प्रधानमंत्री जो हमारे प्रधानमंत्री मोदी के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस के बाद मुख्यमंत्री ने दिए संकेत। तो ये हमारे जो जयराम ठाकुर जी मुख्यमंत्री हैं, तो उन्होंने जो है संकेत दिए हैं। तो आगे बताते हैं हम आपको नेक्स्ट न्यूज के बारे में। ढील के दौरान सोमवार वीरवार को खुली रहेंगी स्टेशनरी की दुकानें। तो आपको सोमवार और वीरवार 2 दिन जो है ढील दी जाएगी। तो मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि विद्यार्थियों की सुविधा के लिए कर्फ्यू में ढील के दौरान प्रदेश भर में सोमवार और वीरवार को स्टेशनरी की दुकानें भी खुली रहेंगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि विभिन्न राज्य के मुख्यमंत्रियों का मानना है कि लॉकडाउन का समय बढ़ाया जाना चाहिए और लॉकडाउन का यह चरण पहले से अलग होगा। तो आपको जो है अब कैसे डिपो में जो है राशन दिया जाएगा, तो उसके बारे में बताते हैं, ये नेक्स्ट न्यूज है। तो व्हाट्सएप या मैसेज से किसी भी डिपो से ले सकेंगे आप राशन। तो पहले जो होता था वो आप एक ही डिपो से ले सकते थे, अपने डिस्ट्रिक्ट वाइज जो होता था, पंचायत वाइज। तो अब जो है आप किसी भी डिपो से जो है व्हाट्सएप या मैसेज के जरिए जो है राशन ले सकते हैं। उपभोक्ताओं को राहत, भीड़ कम करने को सरकार ने की व्यवस्था। तो ऐसे होगी व्यवस्था, पहले मैसेज खाद्य नागरिक आपूर्ति विभाग को जाएगा, उसके बाद जो आप मैसेज करोगे व्हाट्सएप या मैसेज के जरिए, तो उसके बाद जो है संबंधित जिले के खाद्य नियंत्रक अधिकारी को जाएगा, उसके बाद जो है फूड इंस्पेक्टर, फिर डिपो होल्डर को आदेश होने पर उपभोक्ता राशन ले सकेंगे। तो आपको जो है इन्होंने बता रखा है हिमाचल के 50.5 लाख 18 लाख जो राशन कार्ड उपभोक्ता अब किसी भी डिपो में सस्ते राशन ले सकते हैं। इसके लिए लोगों को खाद्य नागरिक उपभोक्ता मामले विभाग की मेल या फिर व्हाट्सएप नंबर जो है आप यहाँ पर स्क्रीनशॉट ले सकते हो। तो इस व्हाट्सएप नंबर पर जो है आपको मैसेज करना होगा या व्हाट्सएप करना होगा या फिर इसी नंबर पर जो है मैसेज करना होगा, जहाँ उपभोक्ता चाहेंगे 72 घंटे में उन्हें उसी डिपो में राशन मिलेगा, जिस डिपो में आप चाहते हैं, जो आपके नजदीक है उस डिपो में जो है आपको राशन दे दिया जाएगा। और प्रदेश में कोरोना महामारी फैलने से पहले लोग किसी भी डिपो से सस्ता राशन ले रहे थे, लेकिन जैसे हिमाचल में कोरोना के मामले सामने आने लगे हैं, सरकार ने डिपो में पास मशीन जो मशीनें होती थी तो उसका इस्तेमाल करना जो है बंद कर दिया है। ऐसे में ऑनलाइन राशन लेने की व्यवस्था ठप हो गई है। अब सरकार ने किसी भी डिपो से राशन लेने का विकल्प ढूंढा है, इसकी पुष्टि सचिव खाद्य आपूर्ति अमिताभ अवस्थी ने की है। तो आप जो है किसी भी डिपो से जो है राशन लेते हैं, तो नया जो इन्होंने मेथड जो है अपनाया है, व्हाट्सएप या एसएमएस के जरिए जो है आपको राशन मिलेगा। तो ये आप नंबर जो है नोट कर ले। तो जो कोरोना वायरस जो फैल रहा है, तो अब जो है एक और न्यूज जो है बड़ी आई है कि 5G से कोरोना फैलने की अफवाह, जलाए जा रहे हैं मोबाइल टावर। तो संक्रमित क्षेत्रों में अभी नहीं है 5G, तो इसके हिसाब से जो है इन्होंने वुहान में 5G विस्तार से कोरोना फैलने का दावा। तो ऑनलाइन साजिश अब बने लगी है हकीकत, जाने अनजाने कई सेलिब्रिटी ने किया समर्थन। तो 5G जो टावर लगे हुए हैं, तो इससे भी जो अफवाह फैली हुई है
कि इससे भी कोरोना जो है फैल रहा है। तो अभी तक पूरी जानकारी ऑफिशियली नहीं आई है, तो अभी तक न्यूज़ है ये, तो आपको जब ऑफिशियली आएगी कि 5G टावर अभी जो है हिमाचल प्रदेश में लगाए नहीं गए हैं, तो 4G हैं, तो अभी आपको डरने की बात नहीं है। तो नेक्स्ट न्यूज़ के बारे में बताते हैं। तकनीकी विश्वविद्यालय हमीरपुर ने ऑनलाइन पढ़ाई से पूरा किया 80% पाठ्यक्रम जो है तकनीकी शिक्षा। HPTU हमीरपुर ने जो है 80% जो है पाठ्यक्रम जो है ऑनलाइन पढ़ाई से पूरा कर लिया है। जो राज्यपाल है हमारे बंडारू जी के साथ समीक्षा बैठक में HPTU के कुलपति ने दी जानकारी। HPU के BC बोले, जरूरत पड़ने पर आइसोलेशन सेंटर बनाए जा सकते हैं, 12 छात्रावास। तो ये जो तकनीकी विश्वविद्यालय हमीरपुर है, उन्होंने जो है ऑनलाइन ही जो है 80% जो है पाठ्यक्रम जो है कर लिया है। तो ये थी आज की 5 बड़ी खबरें जो कि मैंने आपको बताई। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को आप लाइक करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आपको ऐसी ही लेटेस्ट न्यूज़ जो है हमारे चैनल द्वारा जो है सबसे पहले मिलती रहे। और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को आप शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, ताकि उनको भी पता लग सके कि जो 5 बड़ी खबरें जो हैं आज की 12 अप्रैल की, तो उनको भी पता लग सके। तो वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय हिमाचल।